अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदराबादी शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन का कीमा फ्राई। पहले हमने वहाँ कढ़ाई रखी है, गरम कर लिए, उसमें तेल डालना है। मटन का कीमा ले लिए हम लोग 1 किलो। मेथी, कोथमीर लेके इसको पीसेस करके रखना है। प्याज बड़ी डली ले लेके कट करके रखे। गरम हो चुका है, इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। से पहले हम लोग 1 चम्मच नमक डालेंगे, मिर्ची भी डालेंगे, भी डाल देंगे। उसके बाद मिलाएंगे, अब इसमें आलू डाल देंगे। बड़ी मिर्च डालेंगे, फिर डाल देंगे हल्दी, आधा चमचा डालेंगे अदरक लहसुन, कीमा डालेंगे। मिर्च पाउडर डाल देंगे 4 चमचे। अब एक बार मिला लेंगे इसको। हम लोग इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे, आलू जरा कीमा डालने के वास्ते। कीमा फ्राई में आलू भी डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालना, आपकी मर्जी। आलू डाल दो तो टेस्ट आता है। कोथमीर हम लोग जरा ऊपर से डाल दें टेस्टी, हिला लेके इसको हम लोग ढक्कन मूझ देंगे। धीरे धीरे मूझ देना, उसका तेल छूटता है, टेस्ट आता है। मूझ देंगे 10 मिनट, एक बार ढक्कन खोल के देखेंगे। अब ये पक चुका है, देखो आलू भी गल चुके हैं। अब कीमा पक चुका है, फ्राई हो चुका है, ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी यमी बन चुका है। देखो आलू भी गल चुके हैं, तेल भी छूटा। लाइक करो, शेयर करो, ये चपाती में अच्छा रहता, जवारी की रोटी में भी अच्छा रहता, खाने में भी अच्छा रहता, पूरी में भी अच्छा रहता। ये मटन का कीमा है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो, कमेंट करो, वो टेस्टी है, यम्मी यम्मी है। अल्लाह हाफिज़।